बैठवा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 10,000 का इनामी भू माफिया दीपक जैन लॉकडाउन के चलते पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसे गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही की गई। AR टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर के पद पर पदस्थ दीपक जैन, उम्र 39 वर्ष, निवासी कालानी नगर इंदौर, ने काली बिल्लोद सागर कुटी रोड बैठवा में प्लाट काटे, जिसमें नागपुर की कंपनी फिनिक्स इंफ्रा एस्टेट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जाकर प्लाट धारकों को प्लाट दिए गए थे, जिसका अनुबंध किया गया था, जिसमें कई पीड़ित प्लाट धारकों द्वारा बैठवा पुलिस को शिकायत की गई थी, जिसमें बैठवा पुलिस द्वारा वर्ष 2016 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें अग्रिम विवेचना में दीपक जैन भी दोषी पाया गया था। दीपक जैन लगभग 3 माह से फरार चल रहा था, जिस पर इंदौर पश्चिम SP द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जो अब लॉकडाउन के चलते पकड़ा गया। जिसे पकड़ने में थाना प्रभारी संजय शर्मा, प्रधान आरक्षक रामप्रसाद सोलंकी, आरक्षक पंकज ओझा की अहम भूमिका रही। वहीं 10,000 के इनामी आरोपी भू माफिया दीपक जैन को बैठवा पुलिस ने रविवार को JMFC न्यायालय देपालपुर में न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां आरोपी दीपक जैन की जमानत याचिका निरस्त की गई और आरोपी दीपक जैन को न्यायिक अभिरक्षा में JR देपालपुर उपजेल भेजा गया। बैठवा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।